आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी पालक पनीर। बिल्कुल होटल जैसा ही टेस्ट आएगा और इसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा मसाले की ज़रूरत नहीं है। जो मसाले हम किचन में यूज़ करते हैं हम वही मसाले यूज़ करेंगे, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक गड्डी पालक लिया है। इसे अच्छे से हम 4 से 5 बार अच्छे से धो लेंगे और अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। इसमें 1/2 चम्मच चीनी डाल देंगे, इससे पालक का कलर मेंटेन रहता है। और अब इस उबलते हुए पानी में हम पालक को डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। पालक को यहाँ ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो अब हम पालक को निकाल लेंगे और इसे तुरंत ही आइस वाले पानी में डाल देंगे। इससे पालक का कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाएगा, साथ ही इसका कलर भी ऐसा ही बना रहेगा। तो यहाँ हम पालक को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको रफली चॉप किया है। साथ ही इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 8 से 10 यहाँ पर काजू डालेंगे। इससे ग्रेवी काफ़ी रिच बनती है। इसका हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा फाइन पेस्ट तैयार है। अब पालक में से पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे क्योंकि हमें पालक की प्यूरी में पानी का यूज़ नहीं करना है। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इससे ग्रीन कलर बना रहता है। दोनों का फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पालक का पेस्ट बनकर तैयार है। अब यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिन्हें क्यूब्स में कट कर लिया है। तो इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ एक पैन लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच बटर डालेंगे। बटर पिघलने पर हम इसमें पनीर को शैलो फ्राई कर लेंगे। बटर में पनीर को शैलो फ्राई करने से पनीर में जो पानी होता है वो उछलता नहीं है, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पनीर को बिना फ्राई के भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। इसे लो फ्लेम पर फ्राई ना करें, लो फ्लेम पर फ्राई करने से पनीर कड़क हो जाता है। तो यहाँ हमारा पनीर फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक दूसरी पैन लेंगे, इसमें बचा हुआ बटर डाल देंगे, साथ ही 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म होने पर इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही इसमें तेज़पत्ता डालेंगे। इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे और अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा साइज़ का प्याज को फाइनली चॉप करके लिया है। प्याज को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता और हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है, तो इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर कम डालेंगे, इससे पालक में अच्छा कलर नहीं आता है। मसालों को अच्छे से पका लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ ही 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम मसालों को प्याज के साथ पकाएंगे। अब इसमें हम टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी भी डालेंगे जिससे मसाले अच्छे से पक जाए और ड्राई ना हो। और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ 4 से 5 मिनट में हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, ऑयल भी पूरी तरह से सेपरेट हो गया है। तो इसमें हम पालक की प्यूरी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है। आपको कैसी ग्रेवी चाहिए, कितनी थिक चाहिए, आप पानी उसके अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे चपाती या पराठों के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा रखिए, और अगर इसे आप राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखने वाली हूँ। अब इसे कवर करके पकाएंगे क्योंकि पालक उछलता बहुत है। इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पालक बहुत अच्छे से पक गया है। पालक कच्चा रहेगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच क्रीम डालेंगे। तो यहाँ मैंने घर की मलाई को अच्छे से फेंट कर इसको यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह अमूल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें 1 चम्मच हम बटर डालेंगे ग्रेवी को अच्छा रिच करने के लिए।
आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे ग्रेवी में एक शाइनिंग वाला टेक्सचर आता है। अब इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ हमारा पालक पनीर बनकर तैयार है। तो लग रही है ना, देखने में ही बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ हमारा पालक पनीर बनकर तैयार है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर अब इसको हम लहसुनी पनीर बना रहे हैं। तो यहाँ हम एक पैन लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच घी लेंगे। घी को अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ घी का इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। लहसुन का कलर चेंज होने पर इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, हल्का सा इसे पकाएंगे और अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इसमें हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस तड़के को पालक पनीर पर इस तरह से डाल देंगे। तो यह हमारा लहसुनी पालक पनीर बनकर तैयार है। इसे रोटी, पराठे या राइस किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।